हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आया है नोकिया का 105 न्यू TA1423। ये नोकिया का फ़ोन है जिसमें मदरबोर्ड चाइना का लगा हुआ है। ये अभी न्यू मॉडल है। ये हमारे पास आया था कि इसमें सिम वर्क नहीं कर रही थी, इसमें नो सिम कार्ड लिखा हुआ आ रहा है। हमने इसकी प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया है, तो उस पर हमने ये वीडियो बनाया है। इसका देखो IMEI नंबर भी ओके है। बाकी हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसकी जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से फाइंड किया और हमारी ये प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व हुई, तो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो हम जो सिम ट्रे के पॉइंट होते हैं 6, उन पे हम रीडिंग चेक करेंगे। एक तो हमारा ग्राउंड होता है और इस पर हमारे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, और बाकी हमारे इस पर भी वैल्यू मिलनी चाहिए हमें, और इस पर भी वैल्यू मिलनी चाहिए, और इस पर भी, और इस पर भी हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी इस ट्रैक पर वैल्यू नहीं आ रही है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो इसी ट्रैक से है। अगर आपको ट्रैक समझ में ना आए कि किस पे कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, तो उसके लिए एक और ट्रैक है। उसके लिए आपको जो इसके दूसरे पॉइंट हैं सिम के, आपको दिख रहा होगा बराबर में, अभी आपको दिखाएंगे। पहले हम ये ट्रैक देख लेते हैं। ये देखो ट्रैक हमारा यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर हमें यहाँ वैल्यू मिलती तो हम यहाँ से डायरेक्ट जंपर कर सकते थे। ये देखो अब आपको दिखाते हैं, ये हमारे ये ट्रैक हैं। यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कौन सा ट्रैक हमारा जो है इस पर रीडिंग नहीं आ रही है। ये देखो यहाँ हमारी रीडिंग जो है वो ओके है सभी पे, और यही रीडिंग हमारी जो हमारा सिम का जैक है उस पर आनी चाहिए, मतलब इन ट्रैक पे वैल्यू हमारी आनी चाहिए, लेकिन हमारी इस ट्रैक पे वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम इसी ट्रैक को फाइंड करेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम कहाँ से है। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, ट्रैक फाइंड करने के लिए आपको एक प्रोब को ट्रैक पर रखना होगा और दूसरे से आप ट्रैक ट्राई करेंगे। जहाँ से हमारी ये बीप आने लगे, समझ जाना कि ये हमारा वही ट्रैक है। तो हम इसी तरह से इसको फाइंड कर लेते हैं। जब हम दोनों प्रोब को आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये शॉर्टिंग होती है, तो उसमें वैल्यू 2 तक जाती है, तो हमें जहाँ 2 तक रीडिंग मिलेगी, ये देखो यही हमारा ट्रैक है। आपके मल्टीमीटर में जिस तरह की रीडिंग हो शॉर्ट करने पे, आप उसी से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये ट्रैक हमारा कहाँ जाता है हम देख लेते हैं। यहाँ भी हमारी रीडिंग नहीं है, तो यही ट्रैक हमारा मिस है। ये देखो इस पर इसकी लाइन बनी हुई है मदरबोर्ड पे, तो उसी से हम देखते हैं। ये हमारी कैप पे आया है, लेकिन कैप पे भी हमारी रीडिंग नहीं है। उसके बाद ये वापस वहीं गया है ट्रैक, देखते हैं कहाँ जाता है ये। ये देखो ये ट्रैक हमारा जा रहा है वापस होकर, ये हमारा आया है यहाँ पर आया है। यहाँ देखते हैं रीडिंग आती है या नहीं। ये देखो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ रही है, तो ये ट्रैक यही लाइन हमारी कहीं से कटी हुई है। एक बार इसको स्क्रैच कर लेते हैं। यहीं पर हमें लग रहा है थोड़ा कार्बन लगा हुआ है, इस पर लगता है इसमें पानी गया हुआ है, जिससे हमारा ये ट्रैक डैमेज हो गया है। चलिए इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो ट्रैक मिस है वो यहीं से है। ये देखो यहाँ भी रीडिंग आ रही है, लेकिन इस साइड में रीडिंग हमारी नहीं आ रही है, तो यही से हमारा ट्रैक मिस है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम एक जंपर कर लेंगे। हमारा जो ट्रैक जहाँ से कटा हुआ है हम वहीं पर जंपर करेंगे। हम चाहें तो आगे जो हमें ट्रैक मिला है वहाँ से हम जंपर कर सकते हैं सिम कनेक्टर पे डायरेक्ट, लेकिन हम जो ट्रैक हमारा मिस है जहाँ से, वहीं हम ज्वाइन करेंगे इसको, और उसके बाद हम चेक करेंगे सिम लगा कर।
चलिए हमने जंपर कर लिया है। ये देखो रीडिंग हमारी आ चुकी है। चाहे हम तो यहाँ से यहाँ भी जंपर कर सकते थे, तब भी हमारी ये रीडिंग आ जाती है, और यहाँ से यहाँ भी जंपर कर सकते थे, लेकिन हमने जहाँ ट्रैक मिस था वहीं पर हमने जंपर किया। ये देखो यहाँ भी हमारी रीडिंग सारा ये लाइन ओके हो चुकी है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखो फ़ोन हमारा नोकिया का है, लेकिन इसमें जो मदरबोर्ड और डिस्प्ले लगी हुई है वो चाइनीज़ है। ये चाइनीज़ मॉडल में आता है नोकिया का, या आप कह लो चाइना कॉपी। देखते हैं क्या रहता है हमारा, कि फ़ोन ओके होता है या नहीं। ये देखो सिम हमारी वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हम आपके लिए इस तरह की हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। ये देखो हमारा नोकिया का TA1423 मॉडल है।